हेलो स्टूडेंट्स, ये पहली वीडियो है आपके लिए, थर्ड और फोर्थ क्लास के लिए। मैंने कुछ टॉपिक्स डाले थे, वो टॉपिक्स वैसे देखा जाए तो पुरानी क्लासेस से रिलेटेड थे, लेकिन बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम्स है, डिवाइड नहीं आता है थर्ड फोर्थ के स्टूडेंट्स, उनको पता नहीं कि किसके नाम क्या क्या दे रखे हैं। तो मैं एक बता देता हूँ छोटा सा क्वेश्चन फटाफट, कि जैसे कि 748 डिवाइडेड बाई 9, ये एक क्वेश्चन दे रखा है और आपको बोल दिया इसमें राइट डिविडेंड डिविजर क्वेश्चेंट एंड रिमाइंडर। अगर इसमें मैं लिखा हुआ है, अगर आपको ये फाइंड करने की बोलता है, सबसे पहले आप इसको डिवाइड करो, एक नंबर बनाता है, ठीक। सबसे पहले डिवाइड करना थोड़ा बहुत आप सबको आता ही होगा वैसे, लेकिन फिर भी देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट नंबर यहाँ पे क्या है, 2 है, 90 डबल में 2 तो आ गया, 9 1 9 है, तो आपको दूसरा नंबर भी ऐड करना पड़ेगा, इसमें कितना हो गया 27, 9 1 9 2 18 3 27, 3 टाइम्स में होगा कितना होगा 27। जब भी यह नंबर लिखेंगे तो आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, 7 -7 0, 2 -2 0। जब भी माइनस करना है आपको नेक्स्ट डिजिट यहाँ पर लिखनी है। अब 4 आया, डिवाइड नहीं हो रहा, क्या डिवाइड नहीं हो रहा, हो रहा है, 9 1 9 यहाँ पे 4 में से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, लेकिन आप क्या करो, 9 1 9 से पहले आएगा आपके 9 0 0। ये कंफ्यूजन को दूर करता है, बहुत सारे बच्चे 10th तक क्या कभी भी गलत करते हैं इस चीज़ को, कि यहाँ जब नंबर लिखते हो आप तो 0 नहीं उतारते। आप सबसे बड़ा तरीका है, आप 0 बार टेबल लिखो, कितना आएगा 0 बार टेबल, 9 0 0, 4 में से 0 सब्ट्रैक्ट होगा 4, जब भी सब्ट्रैक्ट करो नेक्स्ट डिजिट लिखा, आ गया 8, कितना बन गया 48, 9 5 45, सब्ट्रैक्ट किया 8 5 3। अब अगली डिजिट यहाँ पे है ही नहीं, ऐसा नहीं है कि अगली डिजिट हो और आप डिवाइड ना करो, अगली डिजिट नहीं है, इसलिए हमने डिवाइड को यहीं पे छोड़ दिया। अब देखो आपको यहाँ लिखना क्या है, सबसे पहले जिससे जिससे डिवाइड, जिसको डिवाइड करा आपने, तो वो हो गया आपके डिवाइडेड, तो ये हो गया 2 7 4 8। इसके बाद बात आती है डिविजन की, तो वो हो गया आपके 9। इसके बाद आती है जो बच रहा है लास्ट में, उसको बोलते हैं रिमाइंडर, और ये जो नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है इसको बोलते हैं क्वेश्चन, तो ये हो गया आपके क्वेश्चन कितना 305, एंड लास्ट में रिमाइंडर कितना हो गया आपके 3। तो अगर आपको कन्फ्यूजन है, जो आपने क्वेश्चन मैंने दिए थे, अगर आपने अभी तक वो नहीं किया तो आप इन क्वेश्चन को करें। इसमें क्या है, आपको 4 चीज़ें हैं, ये पहले डिवाइड करना है तरीके से, उसके बाद ये 4 चीज़ें लिख के आपको मुझे सेंड करनी है, आप आंसर्स को मुझे सेंड करते रहे। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन था जो कि आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं भी आया होगा, तो आप इस बार अब आप इन क्वेश्चन को ज़रूर कर लें। एक टाइप का और क्वेश्चन था, आपको डिवीजन फैक्ट्स लिखना है, कैसे, जैसे कि मैंने यहाँ मान लो लिखा 5 × 2 और यहाँ पे फिर 2 ब्लॉक्स बने हुए, इसके डिवीजन फैक्ट लिखना है, तो डिवीजन फैक्ट में डिवीजन आएगा, डिवाइड का साइन आएगा, डिवीजन फैक्ट लिखना है क्योंकि, तो क्या आना चाहिए इनके बीच में, डिवाइड आना चाहिए, यहाँ पर मल्टीप्लाई, तो क्या करें, पहले सर जो दे रखा है उसको सॉल्व कर लो, 5 2 10। अच्छा एक चीज़ है, 5 2 10 होता है, अगर मैं 10 को 5 से डिवाइड कर दूँ, तो 2 आएगा, ये इसका डिवीजन फैक्ट, मतलब क्या करना रहता है, जो सॉल्व करना जो आंसर है आपका, उससे अगर आप एक नंबर को डिवाइड करो दूसरा नंबर आ जाना चाहिए, मतलब 10 का टेबल 5 के टेबल में 10 कितनी बार में आता है 2, तो 10 को 5 से डिवाइड करो तो क्या आ गया 2 आ गया। सिमिलरली 10 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ रहा है 5। तो ये है आपके क्या डिवीजन फैक्ट, डिवीजन फैक्ट कैसे लिखता है आपको समझना आया होगा, कि पहले तो आपको प्रोडक्ट फाइंड करना, मल्टीप्लाई निकालो, जो आंसर है उससे एक नंबर को डिवाइड करके जो आंसर है वो आपके सेकंड नंबर आ जाएगा, ऐसे कैसे, अगर आंसर को आप 2 से डिवाइड किया तो क्या आएगा आपके 5 आएगा, इन्हीं को क्या बोलते हैं अपन डिवीजन फैक्ट्स बोलते हैं, जो मैंने आपको उन क्वेश्चंस में भी दिए थे। इसके लिए आपको ये साथ साथ में इसका थोड़ा सा होमवर्क देता हूँ आपको इस टॉपिक से रिलेटेड, आपको डिवीजन फैक्ट्स लिखना है इनके,
ये इन सब के आपको डिवीजन फैक्ट्स लिखने हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, जो पिछला टॉपिक पढ़ा हमने उसमें हमने कर दिया सॉल्व, आप समझ गए होंगे। इसके बाद ये वो डिवाइड वाला था, उसमें डिवाइड एंड डिवीजन जो भी थे तीन चार टॉपिक्स वो आपको सॉल्व करना आया होगा। यहाँ पर डिवीजन फैक्ट्स लिखना मैंने आपको सिखाया है। इसके बाद अगर उन शीट्स की बात करूँ तो एक और क्वेश्चन था फाइंड द प्रोडक्ट, एक्सपेंडेड फॉर्म में यूज करके आप कैसे प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हो। जैसे कि मैंने लिखा 45 मल्टीप्लाई बाय 5, तो इसमें क्या करना रहता है, आपको जो लार्जर नंबर है बड़ा नंबर है उसको एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड करना तो आपको आना चाहिए 45 को, अगर मैं एक्सपेंड करूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ 40 प्लस 5, ब्रैकेट में लिखना 45 को क्या एक्सपेंड करा हमने, 40 प्लस 5 आना चाहिए आपको। अगर आपको लिखना है अगर 5 का एक्सपेंडेड फॉर्म तो 5 ही होती है, अगर आपको 15 की एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है तो ये हो गया 10 प्लस 5, अगर आपको 125 की एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है तो ये 100 125, तो आप वैसे जो बोल रहे हो वो लिखते जाओ 100 फिर 20 और फिर 5, तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म्स है। एग्जाम्पल से समझ दें, आप यहाँ पर बढ़ते हैं आप इस क्वेश्चन, ये हो क्या करना है आपको 45 को 40 प्लस 5 दिया। अब जो ब्रैकेट के नंबर है उससे बाहर वाले नंबर को अलग अलग आप मल्टीप्लाई करते ही जाओ, मतलब कि 40 को मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले 5 से, फिर दूसरे नंबर को भी उस बाहर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 5 को भी मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। पहले 40 को मल्टीप्लाई करा 5 से, फिर 5 को मल्टीप्लाई करा 5 से, 45 का 200, 5 5 का 25, ये हो गया 225, 225 आपके। सबसे पहले आपको क्या करना है, बात करता हूँ मैं, 45 है 5 से मल्टीप्लाई करना, तो 45 को आप बड़ा नंबर जो है उसको पहले एक्सपेंड करो, 40 प्लस 5 हो गया। अब जो नंबर है अंदर उसको बाहर वाले नंबर से एक एक करके आप मल्टीप्लाई कर दे, 40 को 5 से मल्टीप्लाई करा, फिर 5 को भी 5 से मल्टीप्लाई करा, 45 20 205 5 25, दोनों को एक कर लिया 225। एक और क्वेश्चन इसमें हम कर लेते हैं 135 मल्टीप्लाई बाय 6। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस बड़े नंबर जो भी लार्जर नंबर है उसको एक्सपेंड कर दो, लार्जर नंबर को एक्सपेंड करा तो ये हो गया 100 प्लस 30 प्लस 5, तो 135 तो 100 प्लस 30 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 6। क्या कहा था मैंने, ब्रैकेट के जितने भी नंबर है उन सबको बाहर वाले नंबर से एक करके मल्टीप्लाई कर दिया, 100 का मल्टीप्लाई 6 से, फिर 30 का मल्टीप्लाई 6 से, फिर 5 का मल्टीप्लाई 6 से, 100 6 600, 30 6 180 और 5 6 30, इन सबको अगर आप ऐड कर देंगे तो 0 8 और 3 11, 1 3 1 6 1 7, और ये हो गया 8, तो ये आ गया आपके आंसर 810। तो अब अगर हम चाहें तो यही मैंने दो शीट्स में जो काम दिया था आपको यही था। अब मैं आपको इस पर भी होमवर्क देता हूँ ताकि आप इन पर क्वेश्चंस करें, मेरे पढ़ाने से तक फर्क नहीं पड़ेगा जब तक आप खुद से क्वेश्चंस नहीं करेंगे। तो आप पहले इन पर क्वेश्चंस करें, क्वेश्चन लीजिए फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग एक्सपेंडेड फॉर्म, तो ये क्वेश्चन टॉपिक को करें। थैंक यू।